वही दिल्ली सेवा बिल जब संसद में आता है तो वही विपक्ष है जो लगभग प्रोटेस्ट कर रहा होता है, हर दिन हंगामा कर रहा होता है, उसकी वजह से कार्यवाही बार बार स्थगित होती है। हाँ। वो दिल्ली सेवा बिल पर संसद में संसद भी चलते हैं तब हाँ। कोई हंगामा नहीं होता हाँ। है, लेकिन बाकी दिन क्यों नहीं विपक्ष साथ दे सकता है? तो मैं आपसे कहता हूं कि इसके मतलब सत्ता पक्ष नहीं चाहता ना चर्चा हो। अगर सत्ता पक्ष देखो, सत्ता पक्ष ने चाहा उस दिन चर्चा हुई दिल्ली के बिल पे। अगर सत्ता पक्ष चाहता तो भाई सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट चलाना। वैसे तो आप तुरंत सस्पेंड कर देंगे, कोई आवाज उठाएगा अगर आपको जो मेंबर सूट नहीं करेगा, चलो इनको सस्पेंड किया जाता है पूरे सेशन के लिए, तब तो आप सस्पेंड करके अपने पार्लियामेंट। आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने आपको कहा कि दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा करते हैं, तो आपने की सरकार तो आपसे कह रहे हैं कि हम चर्चा वो तो मणिपुर पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है ना, लेकिन नियम अलग है। सत्ता पक्ष से तो मैं लगातार कह रहा हूँ जनता के करोड़ रुपया बर्बाद हो गए। सत्ता पक्ष से कहा क्या मणिपुर पर चर्चा करवाइए, रूल 267 के अंदर चर्चा करवाइए, असीमित समय के लिए चर्चा करवाइए, तब भी वो सीमित समय पे चर्चा नहीं करवाना चाहते। कहते सीमित समय पे चर्चा करो, इतना समय देंगे? अरे देश की महिला है ये, देश का गौरव है, हमारी आपके लिए भारत माता है, उनके लिए आप सीमित समय नहीं असीमित समय पे चर्चा करवाइए। किसने आपको रोका? मुझे आश्चर्य है, मैं अभी सपा के प्रवक्ता को टमाटर का दाम याद है जो विषय पर बोलना हाँ, है उस विषय पर एक इनकी जो है जबान बंद तो मुझे बोलने का एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला हाँ। एक लाइन नहीं बोले उस पे हाँ। ये दुनिया भर की बातें हाँ, अच्छा, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, क्या हम मणिपुर पर चर्चा को तैयार नहीं? हम तो बाकायदा मणिपुर पर दोनों सदनों में गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, संसदीय मंत्री जी ने, नेता सदन ने, सबने कहा कि आइए चर्चा कीजिए। 13-13 बिल पास हुए, लगातार हम कहते रहे चर्चा कीजिए, लेकिन आप चर्चा नहीं है। आपको तो केवल जो है अपना जो है लोगों को कैसे गुमराह करें और कैसे हम अच्छा, सदन को न चलने दे, आपकी इसकी रही बात। आप विपक्ष हैं, आप विपक्ष करता है। एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला, मैं आप टुकड़ी मत मारिए, वैसे भी आप टुकड़े टुकड़े गेंद के सदस्य हैं ना अपने उस पे। ये देखो ये महिला समस्या पे चर्चा करने पे टुकड़े टुकड़े गेंद आ जाएगा। अब मैंने अगर किसान आवाज उठाएगा तो खालिस्तानी पाकिस्तानी हो जाएगा, कोई अगर प्रबुद्ध समाज आवाज उठाएगा तो कहोगे ये अर्बन नक्सल है, मतलब कोई आवाज उठा दो उसको एक नाम दे दो। हमने आवाज उठाई आप टुकड़े टुकड़े गेंद पे चले गए तो किसी को हर किसी को टैग दे देंगे क्या? राजू जी, दूसरी बात, मणिपुर पर हमने लगातार कहा है, सारे विषयों पर कहा है, आप आइए, लेकिन आप कानून कानून खेल रहे हैं। आपकी जो है रोज प्रायोरिटी बदल जाती है, प्रधानमंत्री आए प्रधानमंत्री बोले, अरे भाई जिसका विषय है वो बोलेंगे, लेकिन आपको बहस नहीं करना है। रही बात इन्होंने कहा कि सस्पेंड करना, आप विपक्ष हैं तो आपको ये अधिकार है कि आप जो है ट्रेजरी बैंक के ऊपर चढ़ जाएं, आपको अधिकार है कि आप कागज फाड़ के स्कीपर के ऊपर फेंक दें, आपको अधिकार है कि आप प्लेट लेकर जो है सारे सदन के बेल में घूमें। तो और हमसे ये कह रहे हैं, हम ये कहते हैं, हमने तो बार बार अनुरोध, हम अनुरोध ही कर सकते हैं, लेकिन आपकी नियति यदि यह बना लिया है आपने कि हमें बहस नहीं करना, हमें जो है समय अच्छा, बर्बाद करना अच्छा, है इंडिया, और ये कोई पहली बार तो नहीं कर रहे, आप पिछले चार सदन चार पांच सत्र उठा लीजिए, इंडिया हर सत्र में इनकी यही गति रही, इंडिया का हर सत्र में इन्होंने जो है विंटर सेशन में हमने देखा था सत्ता पक्ष में। सिर्फ दो सेकंड, इंडिया का तो सम्मान करते हैं ना, इंडिया तो जीतेगा ही ना। क्या इंडिया? मैं हम इंडिया है ना, काहे का इंडिया? हम इंडिया नहीं है, 140 करोड़ जनता इस देश की इंडिया है। हां तो 140 करोड़ जनता इस देश की इंडिया है, नकली इंडिया नहीं, हम भी हैं। ये 20-25 भ्रष्टाचारी यदि मिल जाए डिजिटल इंडिया का नाम सम्मान किया, अरे नाम रखने से इंडिया नहीं बदला करते, सम्मान किया आपने, नाम रखने से इंडिया नहीं बदला करते, सम्मान किया। अब हम कह रहे हैं कि आप इंडिया चाहते हैं, हम इंडिया नहीं है, नकली इंडिया राज्य के चर्चा कर रहे हैं, इंडिया नहीं आप इंडिया, असली इंडिया 140 करोड़ देश की जनता है, राहुल गांधी के संसद में वापसी से क्या बदल जाएगा? एक आरोप ये लग रहा है कि रोज तो विपक्ष हंगामा कर रहा है, एक व्यक्ति और बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा और शोर कर लेगा, और ये कहा जा रहा है केके शर्मा कह रहे हैं कि सरकार का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, वो स्पीकर अपना फैसला लेंगे, तो ऐसे में आपका यह आरोप लगाना कि देरी जानबूझकर की जा रही तो वो गलत है। तो मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, और मुझे लगता है शालीनता ये डिमांड करती कि कोई मेरे बीच में चाहे स्टूडियो में हो या बाहर कूद कर नहीं बोलेगा। ये किस मुंह से कहते हैं कि सरकार का कोई हाथ नहीं था? उनकी मेंबरशिप जाने का सारा षड्यंत्र इस सरकार ने रचा, और क्यों रचा वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी ने मोदी जी का अडानी महाघोटाले में पर्दाफाश कर दिया था, कलई खोल कर रख दी थी, और असलियत ये थी कि 2 घंटे 40 मिनट उसके बाद जब प्रधानमंत्री बोले तो अडानी का और नहीं बोल पाए थे,
महाघोटाले पर एक शब्द नहीं बोल पाए थे, चीनी कनेक्शन पर अडानी के नहीं बोल पाए थे, 20,000 करोड़ किसके नहीं बोल पाए थे। उनकी स्पीच के 9 दिन के अंदर एक केस दोबारा से खोला जाता है और जिस व्यक्ति ने स्टे मांगा था वही स्टे हटाने की बात करता है। 4 सुनवाई होती है और उनको 2 साल की सजा सुनाई जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट आज पूछता है कि किस बिना पर 2 साल की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरकार को नहीं, निचली अदालतों को आईना दिखाने का काम किया कि व्हाट वाज द रीजन 2 साल की सजा आपने 162 साल के इंडियन पीनल कोड में सुनाई कैसे। पहली बात तो सरकार का षड्यंत्र और घबराना उसके सामने है। आप यहां पर मैंने कहते हुए सुना मान्यवर को कि राहुल गांधी जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी जी की एक ट्वीट पर तो आपकी सरकार चलती है, आपके अधिकांश मंत्रियों की उपयोगिता ही यही है कि राहुल जी 280 शब्द ट्वीट पर लिख दे और बरगलाने लगे सारे मंत्री लोग। अधिकांश मंत्रियों को ट्रोल मंत्रालय का चार्ज दिया गया है। आपकी आधी सरकार की उपयोगिता यह है कि राहुल जी के खिलाफ बोलने, वो मणिपुर पर चुप रहती है आपकी सरकार, आपकी सरकार महिलाओं के सम्मान पर चुप रहती है, आपकी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह की खिलाफत नहीं कर पाती। आप राहुल गांधी से क्या बात करिएगा। राहुल गांधी आपको आईना दिखाते हैं बेरोजगारी पर और महंगाई पर, 250 रुपए किलो के टमाटर पे आप चर्चा नहीं करिएगा। हो सकता है सदन में अब बोला जाए प्याज टमाटर, प्याज लहसुन के बाद हम टमाटर भी नहीं खाते हैं। तो इस तरह की बरगलाने वाली बातें बंद कर दीजिए। मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी जिस दिन सदन में लौटेंगे उस दिन इस सरकार का दोबारा कलई खोले। धीरेन्द्र जी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के वापसी से जो गठबंधन इंडिया है जिसका भी अनुराग जी जिक्र भी कर रहे थे, उस इंडिया को कितना बल मिलेगा, वो कितना मजबूत होगा या आपको लगता है कमजोर होगा? सबसे पहले राजीव जी मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी को जो सजा मिली, जो बाहर गए सदन से, वह भी कोर्ट के माध्यम से गए, अगर आएंगे भी तो कोर्ट के माध्यम से आएंगे। इसमें हाय तौबा कांग्रेस को मचानी नहीं चाहिए, विपक्षियों को मचानी नहीं चाहिए। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि एनडीए के लोगों ने उनको डिस्क्वालीफाई किया था। अब रह गई बात कि राहुल गांधी जी के आने से कितनी मजबूत होगी, ये तो पिछले 9 वर्षों से देख रहे हैं ना, देश के लोग भी देख रहे हैं। राहुल गांधी जी सदन के अंदर रहे, सदन के बाहर रहे, देश के अंदर रहे या देश के बाहर रहे, जब सदन के अंदर रहते हैं तो सदन में मजाक उड़ाते हैं देश का, जब सदन से बाहर, जब देश से बाहर रहते हैं तो देश का मजाक उड़ाते हैं। तो इनको कोई गंभीरता से लेता वेता है नहीं। हाँ ठीक है, कांग्रेस की इतनी ही काम रह गई है या विपक्षी पार्टियों की कि अगर राहुल गांधी जी कोर्ट से अगर बरी होते हैं मतलब लोकतंत्र जिंदा हो गया, अगर उनके कुकृत्यों के चलते अगर कोर्ट उन्हें किसी तरह की सजा देती है तो लोकतंत्र मर गया, इतना ही इनका बस बचा हुआ। अनुराग जी बोल रहे थे अभी बहुत लंबी लंबी बात की, कोई लेना देना नहीं है। अरे लेना देना तो इन लोगों को नहीं है, देश में आज इन्फ्लेशन रुका हुआ है, विपक्षियों को कोई लेना देना नहीं है। देश में अगर ईमानदारी की सरकार चल रही हो, विपक्षियों को कोई लेना देना नहीं है। अगर भारत में वंदे भारत ट्रेन चल रहा हो, विपक्ष के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ट्रेन ये जेब में टमाटर, ये ट्रेन, यार सुनिए तो सही, बीच में डिस्टर्ब आप ना करिए, तो आप लोग ऐसे भी ट्रेन में डिस्टर्ब करते। सुनिए अनुराग जी, आप अभी लंबी लंबी भाषण दे रहे थे ना, सुनिए जरा, दिखाई दे रहा है कभी भी दे, अरे वो पूरा दिखाई दे रहा है, क्या दाम है, क्या भाव है, बता दो। अरे अरे आप लेना देना नहीं, पूछ रहा थे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसका दाम ही नहीं बता पा कि आम जनता को खरीदना पड़ता है, आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। अगर 200-250 रुपए किलो बिक रहा है, बिकने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, बीजेपी तो राजनीति कर ही रही है। अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी उनकी बात आना चाहिए, ये क्या बकवास है, यहाँ के बात बनाना है और बाकी देश से कुछ लेना देना नहीं है, देशवासियों की कोई चिंता नहीं, सबों के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपने अपने केस से बचाना है, अपने अपने नेताओं को बचाना है, देश के लोगों को गुमराह करना है। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से पहले तो कुछ नहीं बदलेगा और बाकी बातों पर अपनी बात रखी। केके जी, मैं आपसे लूंगा एक बार, अनुराग जी का मैं एक बार, अनुराग जी आपको लगता है कि राहुल गांधी के आने से 2024 में राहुल वर्सेस मोदी होगा या फिर आप किसी और को देख रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर में आपको पता है एक विपक्ष का इंडिया जो पूरे देश के लिए, जो देश की बात करेगा, देश की युवाओं की बात करेगा, देश की महिलाओं की समस्या की बात करेगा, देश की किसानों की बात करेगा, समाजवादी पार्टी क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है? इंडिया, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम सबको अलग अलग बांटते हैं, हम इंडिया हैं और हम पूरे इंडिया की बात करेंगे, सभी मिलकर, सभी नेता, चाहे राहुल गांधी जी हो,
श्री अखिलेश यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी जी हो, सभी लोग मिलकर इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में जो समस्याएं हैं, जिस तरह से लोग महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, किसान परेशान है, यहां पे जिस तरह की अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, इस सभी इंडिया की बात होगी। और जब इंडिया की बात होगी तो इंडिविजुअल नहीं होगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी क्या इंडिया का नेतृत्व किसी एक को तो करना ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर में कई चेहरे होते हैं। जब लोग चुनाव जीत के आते हैं, क्या राहुल गांधी को सपा का सपोर्ट होगा या नहीं? अरे पूरे इंडिया एक साथ है, आप क्यों इसको तोड़ने की बात करते हैं? पूरा इंडिया एक साथ है, हमेशा सबका सपोर्ट होगा। और सब एक दूसरे को सुनो, इस तरह से मजबूती का जोड़ है ये, फेविकोल से भी मजबूती का जोड़ है। सुप्रिया जी, मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि केके शर्मा पर सारे आरोप लगे, बीजेपी पर सारे आरोप लगे, उनका जवाब तो ले लें एक बार प्लीज। केके शर्मा, अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य, सारे नहीं लगे, दो यदि उनके, उनकी अज्ञानता है तो मैं उसे क्या कह सकता। बिल्कुल, आपने और देश की जनता उस अज्ञानता को बहुत अच्छे से समझती है। राजीव, अभी इन्होंने कहा इनका षड्यंत्र था, अरे तो हमारे षड्यंत्र के कारण जो है राहुल गांधी जी ने जाके अपशब्द बोला। हमने कहा था कि जाइए किसी को जो अपशब्द बोलिए, इसी झूठ के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं ना, दो एक बार नहीं तीन तीन बार माफी मांग चुके हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राष्ट्रीय दल का ऐसा कोई अध्यक्ष होगा जिसको सुप्रीम कोर्ट के कहने पर माफी मांगनी पड़ी होगी? तो ये है उसका सच्चाई। अब क्या है, क्या हमने कहा था कि आप जाके बोलिए? क्या उनका जो सजा हुआ वो सजा हमने दिया है कि न्यायालय ने दिया है? क्या ये कहना चाहती है कि न्यायालय षड्यंत्र का हिस्सा बन चुका है? ये सोच है कांग्रेस पार्टी की आज? मैं इसलिए राजू जी कहता हूं कि आज भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। केवल न्यायालय ने उनके सजा पर रोक लगाई है, सजा ना उनकी खत्म नहीं किया है, अभी भी उनको केस लड़ना है, सजा बरकरार है उनकी, केवल सजा पर अमल नहीं होगा। तो इसमें इतनी बड़ी क्यों उछल कूद है भाई, इतनी परेशानी? और मैंने तो स्पष्टता से कहा कि आपके बनाए हुए कानून थे, आपने बनाया था वो कानून, और यही कानून राहुल गांधी जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसे फाड़ा, उस अध्यादेश को, और फाड़ के नॉनसेंस कहा प्रधानमंत्री को, उस समय के मनमोहन सिंह जी को, जितनी उस समय अपमान उस प्रधानमंत्री जी का राहुल गांधी ने किया, देश के इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री का इस लेवल का अपमान किया हो। लेकिन आज वही कानून उनके गले पड़ी, आज वही चीज उनके सामने है। मैं तो कहता हूं उन्होंने कानून बनाया था कि उसमें गया, आज उसी परंपरा के तहत आज जो है स्पीकर उसका फैसला करेंगे, संविधान विशेषज्ञों से सलाह भी लेंगे, वो उनकी प्रक्रिया है, उसमें इतनी उछल कूद मचाने आएंगे तो ये कर, मैं तो बता दिया था तिनका भी नहीं मिला था। ठीक है, और आज तक बोले हैं, जब तक अपना हंसी उड़ा के गए हैं सदन के अंदर, बार बार इनको सफाई देनी पड़ती इनके प्रवक्ता को निकल के, अरे उनके बोलने का भाव ऐसा नहीं था, उनके बोलने का भाव वैसा था, आप उस भाव में उसको समझिए। ये कितनी बार करते रहे कांग्रेस की सजा पर रोक लगी है, बरी नहीं हुए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं करूंगी यहां पर बैठकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो झूठ बोला गया कि उन्होंने तीन बार माफी मांगी, वो कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट की अवमानना यहां पर चाहे आप सत्ता पक्ष की सत्ता के नशे में कितने भी डूबे हुए हो मत कीजिए। पहली बात, आप राहुल माफी मांगी थी या नहीं ये बता दीजिए, माफी मांगी थी या नहीं करने से भाग? नहीं नहीं, सुप्रिया जी केवल इतना बताइए, माफी मांगी थी या नहीं? मैं नहीं बोली थी बीच में, माफी मांगी थी या नहीं इतना बता दीजिए। बोलिए बीच में मत बोलिए, मैं केवल इतना बोल रहा हूँ, आपने धोखा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप इतना दर्शकों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राहुल गांधी ने माफी मांगी या नहीं मांगी? आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, एक बार जवाब ले लीजिए। सुप्रिया जी कंटिन्यू करें। भाजपा के प्रवक्ता से मुझे ये कहना है कि अगर आपके पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो जनता समझेगी, आप बीच बीच में कूद कर अशालीनता मत भंग करिए। मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरे बोलने के बाद आप आइएगा और बकबकाइएगा अपनी बात को, मेरे बीच में मत बोलिए। मैं यहां पर यह कहना चाहती हूँ, सदन में चर्चा किस चीज की होनी चाहिए? सदन के बचे हैं मुश्किल से चार दिन, सदन में तीन महीने से जल रहा है मणिपुर, और सदन का नेता सदन छोड़कर भागा भागा फिर रहा है, चर्चा में भाग लेने के बजाय प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी छत्तीसगढ़ जाकर जहर उगल रहे हैं। असलियत यह है कि तीन महीने से जलते हुए मणिपुर पर इस देश का प्रधानमंत्री 36 सेकंड के लिए बोलता है,
और उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर वॉटअबाउटरी करता है जो उनके प्रवक्ता यहां पर आकर करते हैं और बाकी दुनिया में करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उन महिलाएं जो कोर्ट गई हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख तक टिप्पणियां करी हैं और कहा है कि पुलिस के बंदोबस्त में कुछ नहीं है, मणिपुर की सरकार पूरी तरह से ध्वस्त है, उसके बाद भी बीरेन सिंह किस मर्यादा से, किस नैतिकता से मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं? असलियत तो यह है कि 2002 के नरसंहार के बाद अटल जी थे जो वहां के मुख्यमंत्री को राजधर्म पढ़ा सकते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री को, मोदी जी को। आज मोदी जी किस मुंह से राजधर्म का पाठ पढ़ाएंगे बीरेन सिंह को? आज आपका एमएलए कह रहा है राज्य प्रायोजित हिंसा है, आपका एक एमएलए लकवा से ग्रसित है, हिंसा में इस तरह से घायल हो गया था, राज्यपाल कह रही है ऊपर वालों को बचा दिया है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, किसी की बात मत सुनिए मान्यवर, उच्चतम न्यायालय की तो बात सुनिएगा। असलियत यह है कि इस देश की सदन में देश के नेता को खड़े होकर 3 महीने से जलते हुए मणिपुर पर बोलना चाहिए, लेकिन ना वो नैतिकता है ना वो मर्यादा है। और यहां पर इन्होंने बोला गृह मंत्री, मैं सुन रही थी जब मेरा फोन कर गया था, गृह मंत्री ने बोला आके चर्चा कर ले। भाई नेता सदन कौन है? प्रधानमंत्री है ना, इस देश का एक हिस्सा, एक राज्य, अभिन्न भारत का एक राज्य जल रहा है, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे? हमने प्रधानमंत्री को क्यों चुना है कि वो जाकर झुंझुना बजाए, दूसरे देशों में गलबैया करें, किसी को हीरा किसी को शॉल गिफ्ट करें? इसलिए प्रधानमंत्री को चुना गया है, या इसलिए चुना गया है कि देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर देश के सदन में आकर सामना करें? ठीक है सुप्रिया जी, सुप्रिया जी बात करिए, के जी जल्दी से आपके जवाब फिर मैं राजीव जी सुनिए। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं सुना, इन्होंने क्या कहा? अरे मणिपुर के ऊपर में हम डंके की चोट पे कहते हैं आपसे बहस करने के लिए, यदि सदन से भाग रहा है कोई, आपको विपक्ष भाग रहा है।